हेलो एवरीवन तो जैसा कि आप लोगों के पास जो प्रैक्टिस टेस्ट आ रहे हैं उन प्रैक्टिस टेस्ट का सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आज हम अपना पहला सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दे दे देता हूं कि हम क्या एक्चुअली कर रहे हैं तो हम अपना जो पोर्शंस हमने बेसिकली माइक्रो में माइक्रो के कोर्स में कवर किया है एलैंथ में उन पर बेस्ड अपन कुछ असाइनमेंट्स कर रहे हैं कुछ डेली हम एक शीट प्रैक्टिस कर रहे हैं उन प्रैक्टिस टेस्ट के सॉल्यूशंस को हम आज यहाँ वीडियो में वीडियो के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं वाइब्रेंट एकेडमी के डायरेक्टर्स वाइब्रेंट एकेडमी के डायरेक्टर्स के जो बैचेस चल रहे हैं है ना और वो अभी जो मेगा का बैच शुरू हुआ है मतलब जो एक महीने हम लोगों ने पढ़ लिया है और उसके बाद जो ब्रेक मिला है उस ब्रेक में हम लोग ये सब लोग रिवाइज कर रहे हैं अब इसके बाद अपन चलते हैं ये अपना इस ईयर का जेई में का रिजल्ट है ना वाइब्रेंट अकेडमी का अभी जो मे जनवरी में अटैम्प्ट हुआ था उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने ये है ये सभी अपने क्लासरूम के बच्चे हैं फिर ये वज्र के बारे में आप लोग जानते हैं कि अपन एक वज्र करके एक तो स्कीम चलाते हैं प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें स्कॉलरशिप मिलती है और अगर जैसे अपने माइक्रो में भी काफ़ी सारे बच्चे थे लास्ट ईयर जो वज्र के थ्रू एनरोल हुए थे तो ये अपॉर्चुनिटी अभी भी है आपके पास जो भी माइक्रो का बच्चा है वो एक बार इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके और डिटेल्स ले सकता है वी की कुछ डेट्स वाइब्रेंट स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट तो इसकी डेट्स

प्लस फोर टाइम्स ऑफ साइन टू दी पावर सिक्स थीटा इक्वल्स टू हमें बस ये देखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इस गिवन रेंज के लिए किस ऑप्शन से मैच करेगा तो हम एक काम करते हैं सिंपल सा इसको पावर फोर दिख रहा है पावर टू दिख रहा है यहाँ अपन होल स्क्वायर करना जानते हैं तो अपन होल स्क्वायर करने से इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपन ने क्या किया इसको सबसे पहले हमने इसको थ्री साइन थीटा थीटा देखो एक साथ में पावर फोर तो होगा नहीं बेटा एक साथ में पावर फोर करने से बेटर है हमें से दो बार में ब्रेक करेंगे और पावर टू पावर टू करके ब्रेक करेंगे तो पहले इसका पावर टू एक्सपेंड करिए बन जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ जब पावर टू इसका एक्सपेंड किया तो ये बन गया वन माइनस साइन टू थीटा अभी भी पावर टू बचेगा प्लस सिक्स टाइम्स ऑफ वन प्लस साइन टू थीटा प्लस फोर साइन की पावर सिक्स थीटा को मैं एक काम करता हूं साइन की पावर थीटा को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब आगे चलते हैं इसको फिर से एक्सपेंड किया तो थ्री टाइम्स ऑफ अब ये बना वन प्लस साइन टू थीटा का स्क्वायर माइनस टू थीटा प्लस इसको जब अंदर मैंने सिक्स को भेजा थीटा बन गया प्लस टाइम्स ऑफ थीटा थीटा एंड को एक्सपेंड करते हैं इसको जब मैंने थ्री से अंदर मल्टीप्लाई करा तो थ्री और सिक्स जुड़ के नाइन हो गया थ्री साइन थीटा

तो टू सेंटीटा कॉसिटा का स्क्वायर करा तो कितना बन फोर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तो नाइन प्लस फोर का मल्टीप्लाई थ्री से होती ट्वेल्व साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा प्लस यहां पे फोर अलग चल रहा है फोर फोर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टू द होल पावर थ्री मुझे मेरे ऑप्शंस तो को भी बार बार मैच करते जाना है कि मतलब क्या कोई सुटेबल ऑप्शन अभी दिख पा रहा है अगर अभी दिख जा रहा है तो और अच्छी बात है अभी मुझे लग रहा है देखो सारे ऑप्शन में आप देखोगे तो जैसे इसमें सिर्फ कॉस के टर्म्स में है कॉस की पावर सिक्स है इसमें भी के टर्म्स में है ये कुछ ऑप्शन है जिसमें कॉस एंड साइन दोनों है मेरे पास कॉस एंड साइन दोनों भी आ रहे हैं तो एक तो मेरे पास ऑप्शन ये बचता है कि मैं इसको भी पूरा एक्सपेंड कर लू क्योंकि कहीं भी मैं देख पा रहा हूँ किसी भी ऑप्शन में वन माइनस कॉस स्क्वायर की पावर थ्री किसी में भी नहीं बच रहा है तो या तो मैं इसे भी एक्सपेंड कर लूँ पावर थ्री से खोल के या फिर मैं इधर से कुछ कोशिश करूं तो पहले मैं एक कोशिश यहां से कर लेता हूं एक्सपेंड तो मुझे वो भी करना ही पड़ेगा लग रहा है तो जब मैंने इसको ओपन करने की कोशिश करा नाइन प्लस ट्वेल्व टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा को लिखता बेटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और एक कॉस स्क्वायर थीटा बाहर ऑलरेडी है प्लस फोर टाइम्स ऑफ वन माइनस थीटा और इसकी पावर कितनी है होल क्यूब अब मुझे दिख रहा है

एंड यहां से बच रहा है मेरे पास वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्योंकि तीन बार था एक बार यहां था और तीन बार यहां था तो मैंने एक बार बाहर निकाल दिया दो बार बचा स्क्वायर बचा स्क्वायर को ओपन भी कर दिया तो वन प्लस कॉस टू दावर फोर थीटा एंड माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा ये मेरे पास बचता है अब बस मुझे इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है

ठीक देखे मुझे दिख रहा है वन माइनस कॉस स्क्वायर वन प्लस अच्छा बनेगा है ना तो फोर एक काम करते हैं तो एक टर्म से हो गया ना मल्टीप्लाई अब इसका मल्टीप्लाई इससे भी तो करना है तो क्या बनेगा प्लस कॉस फोर थीटा एंड माइनसिक्स थीटा ये बन गया मेरा ये भी कट गया मेरा तो बेसिकली बचा वन माइनस कॉस की पावर सिक्स थीटा कोई ऑप्शन दिख रहा है मेरे ख्याल से ऑप्शन मुझे दिख गया है नाइन प्लस फोर टाइम्स ऑफ वन माइनस कॉस की पावर सिक्स थीटा देखें जरा नाइन प्लस फोर थर्टीन थर्टीन माइनस फोर ऑप्शन नंबर फर्स्ट विच इज ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ये अपना करेक्ट हो गया अगले क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है क्वेश्चन है कि ए बी बी सी द थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर इन जीपी तीन नंबर हैं तीनों अलग अलग हैं और जीपी में है ठीक है फिर आगे बोला जा रहा है इन जीपी एंड ए प्लस बी प्लस सीकल टू एक्स बी उन्होंने बोला जीपी में है क्या ए बी सी जब जीपी में है तो इतनी सी बातें तुरंत सोच सकते हैं कि नहीं बी अपॉन ए का जो भी रेशियो होगा वो सी अपॉन बी के होगा क्यों ना मैं इस कॉमन रेशियो को आर मान लेता हूं जैसे अपन कॉमन रेशियो को यूजली आर मान के चलते हैं ठीक है इन्होंने मुझे बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ बी है ना और दैट इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ बी देन एक्स कैन नॉट बी मतलब इन चारों में से ये जो एक्स है उसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती है नहीं हो सकती है पता लगाना है मतलब आ, या, अगर इसका इसका आंसर आंसर आ आ जाता तो मल्टीपल है, तो, एक एक है। करते हैं इस पूरी को बी से करते है। जब आप इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ बी से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा वो देखिए अपॉन बी प्लस वन प्लस सी अपॉन बी इक्वल टू एक्स मुझे डायरेक्टली एक्स दिख गया मुझे डायरेक्टली एक्स दिख गया

Definitely your B can't be 0. B, 0 तो हो नहीं सकता। है तो हम जानते हैं कोई भी और उसका या तो टू से बड़ा होता है या माइनस टू से छोटा होता है तो या तो एक्स माइनस वन जो होगा वो टू से बड़ा होगा या जो एक्स माइनस वन होगा वो माइनस टू से छोटा होगा दोनों ही केसेस में एक्स या तो तीन से बड़ा होगा या एक्स

लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स हमें एक क्वाडेटिकवेशन बने एक क्वाडेटिक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू दैट इज इक्वल्स टू जीरो हमें एक क्वाड्रेटिक रूट स्कोर है बेटा जिसके रूट से अल्फा और बीटा जिसके रूट से अल्फा और बीटा अच्छा जैसे ही मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी मुझे दो चीजें क्लिक कर दी एक तो इसका होल स्क्वायर बनाना बहुत आसान है है ना बहुत इजीली दिख रहा है मुझे कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है दूसरी चीज ये भी क्लिक कर गई कि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होते ही रूट्स इमेजिनरी हो गए इमेजिनरी होते ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पिक्चर में आ गया तो मैं इतनी सी बातें भी मान के चल रहा हूँ हालांकि अभी तक आपने नहीं पढ़ाया जा रहा इतना पर फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ बेसिक आइडिया कॉम्प्लेक्स नंबर का है आप आ, आई के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आई जो है वो माइनस का अंडर रूट में वन होता है अंडर रूट का माइनस का वन होता है और उसका स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग कर लेते हैं ना मतलब इतनी सी बातें मान मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है कि आई इज नथिंग बट अंडर रूट माइनस वन

अब ऐसे ही जब मैं फिर से जाऊंगा ना मतलब साइक् आई की पावर वन फाइव के बराबर है टू सिक्स के बराबर है थ्री सेवन के बराबर है फोर, एट के बराबर है जब मैं एट से भी जाऊंगा जाऊंगा टेन तो वापस से आई की पावर, पावर टू पे आ जाएगा इलेवन देखूंगा तो आई की पावर वापस से थ्री पे आ जाएगा और ट्वेल्व अगर देखूंगा तो फिर से आई की पावर फोर पे आ जाएगा मतलब आई की जो पावर्स है वो फोर 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 के साइकिल में घूमती रहती है तो बेसिकली जो डिफरेंट पावर वन से पावर फोर तक क्या नीड पड़ने वाली है, वो पहले आप। सबसे पहले मैंने क्या दिमाग लगाया था अल्फा की पावर पंद्रह प्लस बीटा की पावर पंद्रह और अल्फा बीटा कौन है मेरे अल्फा बीटा मेरे रूट से ठीक है तो अल्फा बीटा मेरे रूट्स हो गए मैंने उनको लिख दिया मेरे रूट्स है अब मैंने यहां से देखा ये दिख रहा है मुझे एक्स प्लस होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो मतलब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन यहां से एक्स प्लस वन इक्वल्स टू अंडर रूट में माइनस वन तो इसके प्लस माइनस दो आंसर आ गए यहां से देखा तो एक्सलू ये हो गया आई तो प्लस आई माइनस वन और अगली बार माइनस आई माइनस वन तो ये बेसिकली मेरा अल्फा हो गया मान लीजिए ये हो गया मेरा बीटा मेरा अल्फा भी आ गया मेरा बीटा भी आ गया अल्फा क्या है मेरा आई माइनस वन और बीटा क्या है माइनस आई माइनस वन

और जैसी मैंने बीटा का स्क्वायर किया बीटा का स्क्वायर क्या आएगा बीटा का स्क्वायर आएगा माइनस आई आए, माइनस वन का स्क्वायर जरा तो इसका करेंगे, तो ये आए, आए प्लस टू आई तो यह आई स्क् माइनस वन तो ओवरऑल आंसर आ गया टू आई अब देखो इससे फायदा क्या हुआ मुझे उन्होंने पूछा था अल्फा की पावर पंद्रह प्लस बीटा की पावर मैंने थोड़ी सी मैनिपुलेशन लगा के इस पावर फिफ्टीन को ऐसे ब्रेक किया अल्फा स्क्वायर की पावर सेवन मतलब चौदह एक और पंद्रह की पावर सेवन मतलब 14 और एक बीटा और अब देखो यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाओ अल्फा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं माइनस का टू आई पावर सेवन साथ में कौन बचा है अल्फा अल्फा को अभी मैंने अल्फा ही रखा प्लस बीटा की जगह मैंने क्या रखा बीटा स्क्वायर की जगह रखा मैंने प्लस का टू आई पावर सेवन और बीटा की जगह मैंने बीटा रख दिया अब निकाल दिया तो यहां से बचा अल्फा यहां से बचा माइनस का बीटा अब अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा यहां से निकाल लेते हैं यहां से बताए अल्फा माइनस बीटा बस इसको सब करना है तो सिंबल्स पलट गए सिंबल्स पलटने के साथ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास यहाँ से आ, ये तो कट गया और आई प्लस आई मतलब टू आई आ गई तो अंदर वाला टर्म क्या बन गया सीधा सीधा टू आई बन गया अच्छा यहाँ देखिए माइनस टू की पावर सेवन माइनस टू की पावर सेवन इज माइनस वन ट्वेंटी एट माइनस वन ट्वेंटी की पावर सेवन अल्फा बीटा इज टू ठीक आई अच्छा आई की पावर सेवन

तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर नंबर हो गया थ्री थोड़ा सा इसका ऑब्वियसली इसमें कॉम्प्लेक्स का टच था तो कॉम्प्लेक्स के ही थोड़ा सा बेसिक एप्लीकेशन से अपन ने क्वेश्चन कर लिया हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान था है ना हो सकता है आप लोगों से अभी ये उतना अच्छे से ना बनाओ क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर उतना नहीं पढ़ा है पर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा भी पढ़ा है मतलब मैं कहूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर की पहली क्लास इतना बेसिक इंट्रोडक्शन भी पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का तो ये क्वेश्चन उसी से हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं आगे बात करते हैं देखें सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है

और एक इक्वेशन और दी तो है।, है तो, तो, तो ए वन और डी तो निकाल तो निकालने के लिए मुझे उन्होंने दो इक्वेशन दिए बहुत अच्छे से उन दोनों का मुझे यूज करना है एक इक्वेशन तो मेरी यही दी है कि ए फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन मतलब A1

थर्टी मतलब पॉइंट टू 2A, मतलब मतलब टू ए वन प्लस एन माइनस वन ट्वेंटी नाइन डी योग्य एस अब मैं टी लिख रहा हूं टी क्या होगा टी विल बी देखो इसमें आई की जगह वन डाले आई की जगह टू डाले आई की जगह थ्री डाले और कहां तक डालना है अपन को आई की जगह पंद्रह तक डालना है जब भी आप ये सारे इंटीरियर आई की जगह पर डालोगे अंदर आपको हमेशा टू आई माइनस वन एक और नंबर देगा आई माइनस वन हमेशा और नंबर देगा तो टी बेसिकली ए वन प्लस ए थ्री प्लस ए फाइव से लेके कहां तक एक जगह जब मैं पंद्रह डालूंगा तो पंद्रह इंटू दो तीस माइनस एक ए ट्वेंटी नाइन तक ऐसा कुछ आएगा ठीक है इसी तरह सॉल्व करते हैं हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया इसमें बेटा ए वन प्लस ए थ्री को देखो लिखने का तरीका ए वन प्लस टू डी बेसिक एपी ए फाइव को लिखने का तरीका हालांकि की वैल्यू दी है उन्होंने डायरेक्टली पर फिर भी हम अभी अपने पैटर्न में चलते हैं ऐसे लिखते लिखते A29 को लिखने का तरीका plus अब मैंने क्या किया यहां से थे थे मेरे पास, 15 थे मेरे पास पास सॉरी की में में सारे में मैंने एक A1 बना दिया, तो A1 15 टाइम्स 15 टाइम्स ऑफ a1 प्लस 15 टाइम्स ऑफ a1 प्लस d देखे बेटा मैंने क्या किया 2d कॉमन ले लिया 2d कॉमन लेने से मुझे एक चीज दिख गई अंदर देखो 1, 2, 3 से लेके 14 तक का सम 1 से लेके 14 तक का नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा 14 इंटू फिफ्टीन डिवाइड बाई टू मतलब इंटू टू अगले स्टेप में लिख दो ये वन तो टी कितना बन गया फिफ्टीन ए वन प्लस टू हंड्रेड एंड टेन डी ये में दूसरी इक्वेशन ये था मेरा एक इक्वेशन था मेरा, अच्छा, एक मैं उसको मान लिया तो ये मैंने सेकंड मान लिया ये मैंने थर्ड मान लिया अब समझो मुझे उन्होंने बोला है कि एस माइनस टू टी कितना सेवेंटी फाइव है भाई एस माइनस टू टी टी है, तो टू टी क्या होगा टू टी हो जाएगा थर्टी ए वन प्लस टू हंड्रेड एंड टेन टू जो भी होगा ये और s 2t अब इसमें से इसको माइनस कर दो जैसे ही मैंने s 2t करा मुझे बहुत अच्छे से दिख गया कि 31 यहां भी है 31 यहां भी है कट जाएगा 15 into 29 d1 minus 2 2210 d d1 नहीं d ही आएगा बेसिकली ना d1 तो कुछ नहीं है और इस चीज की इस सब्ट्रैक्शन की वैल्यू उन्होंने दी है ऑलरेडी 75

खत्म तो डी की वैल्यू कितनी आगे बेटा यहां से डी की वैल्यू आ गई पांच डी की वैल्यू पांच आती है अपना वन कितना वन आ गया ट्वेंटी सेवन माइनस फोर इन d डी मतलब वन इज ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी तो एवन इज नथिंग बट एवन इज सेवन वन है डी है क्या पता करना है ए टेन पता करना है ए टेन विल भी सेवन प्लस नाइन डी डी की जगह फाइव नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव एंड सेवन इज फिफ्टी टू तो इसका राइट आंसर होगा फिफ्टी टू इज ऑप्शन टू यस ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर टू इज फिफ्टी टू

किस इंटरवल में लाई करेगी हमें यह बताना है ठीक है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आइडिया हमें के बारे में हमते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क् टू वन है आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब पता होता है ठीक है तो एसेंट्रिसिटी क्या होती है बेटा वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर और यहाँ पे देखें बी स्क्वायर की square, मतलब square, मतलब 1 square, sec से बाहर आते ही थीटा और थीटा का uh, क्या दिया है जीरो से पै बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेको से पै बाई टू हमेशा दो से बड़ा होगा ना थीटा की पॉजिटिव होगा और थीटा की वैल्यू रेंज हमें पता है या तो वो सॉरी माइनस वन से बड़ा होगा तो थीटा हमेशा माइनस वन से छोटा या वन या वन से बढ़ा रहता है तो ये हमेशा वन से बड़ा होगा हमें बात करना है होता थी टू बी स्क्सर थीटा अपॉन ए ठीक। की जगह क्या लिखूंगा, साइन थीटा? एक ही क्या लिखूंगा? थीटा? टू साइन स्क्वायर थीटा को लिखने का मैंने एक और चीज सोचा क्यों ना मैं ऐसे वन माइनस कॉस स्क्वायर लिख दूं और नीचे का कॉस को दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दूं तो ये एक कॉस बचेगा और ये सेक बन जाएगा मतलब टू टाइम्स ऑफ को ऑब्जर्व आपके लिए थोड़ा सा जल्दी हो सकता है पर सेक्टिटा माइनस कॉस्टिटा का जब आप डेरीवेट करोगे ना डेरीवेट करके आप देखोगे दिस इज एन ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या इतना भी छोड़ देते हैं अपन तो ये बात करते हैं कि ये

है ना और ये कॉस्ट जो है वो जीरो से वन के बीच में है जीरो से वन का रसी प्रोकल, हमेशा वन से हमेशा हो गया तो ये हमेशा जो भी नंबर आएगा मतलब एक पॉजिटिव आंसर आएगा इसका आंसर ठीक है अब अपन थोड़ा और बात करते हैं हम एक काम करते हैं हमें चेक करना है इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी और उन्होंने रेंज इंटरवल क्या दिया जीरो से लेके पाई बाय टू तो देखिये अपना लेटर सेक्टम का अपने पास एक basic structure आ गया गया। है। है है। अब उन्होंने बोला मतलब मतलब जो मेरा हो इस केस में अगर मैं theta की बात करूंगा लेस देन बाई टू हो गया अब बताए कॉस्टीटा वन बाई टू से छोटा कहां, कहां मिलेगा कॉस्टा वन बाई टू से छोटा मैं मिलेगा 60 से 90 के बीच में क्योंकि सिक्सटी तक तो वन बाई टू से बड़ा होगा सिक्सटी से नाइनटी के बीच में तो यहां से मैं बोल सकता हूं, जो थीटा का होगा 60 degree to 90 degrees. अब अपन पे 60 और इसकी रेंज चेक कर लेते हैं है। तो पहले एक बार एक थीटा 60 डिग्री पर देखा तो लेंथ ऑफ लेटर कितनी आ गई टू टाइम्स ऑफ 60 मतलब कॉस सिक्सटी वन बाई टू

तो थ्री कभी होगा नहीं तो ये वाला गलत हो गया थ्री हो नहीं सकता थ्री से इंफिनिटी ये रहा है ना ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया अपना अगला क्वेश्चन देखिए पीएनजी का क्वेश्चन ना कंसीडर अ क्लास ऑफ फाइव गर्ल्स एंड सेवन बॉयज एक क्लास है जिसमें पांच गर्ल्स हैं और सेवन बॉयज हैं ठीक है द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ टू गर्ल्स एंड थ्री बॉयज हमें अलग अलग टीम्स बनानी है और उन टीम्स में दो गर्ल्स हर टीम में दो गर्ल्स और तीन बॉयज रहना चाहिए हर टीम में हमारे टू गर्ल्स और थ्री बॉयज रहना चाहिए टू गर्ल्स एंड थ्री बॉयज रहना चाहिए सो दैट द टीम्स कैन बी फॉर्म ऑफ दिस क्लास इफ देयर आर टू स्पेसिफिक बॉयज ए एंड बी दो ऐसे लड़के हैं ए और बी हु टू बी मेंबर्स ऑफ द सेम टीम मतलब दो लड़के ऐसे हैं जो एक ही टीम का हिस्सा नहीं बन सकते जो चाहते हैं कि हम अलग अलग ही खेलें दोनों में से कोई मतलब दोनों एक टीम में आ जाएंगे तो वो वाले हमें हटाने पड़ेंगे तो एक काम करते हैं ना अपन इसको निकालने के लिए है ना यूज करते टोटल नंबर ऑफ टीम पॉसिबल कितने हो जाएंगे कि अपन टोटल में से उनको माइनस कर दे वेन ए एंड बी आर ऑलवेज इंक्लूडेड टुगेदर, दोनों को साथ में ले लिया गया है टोटल बताओ बेटा टोटल कितने बनेंगे टोटल हमें क्या चाहिए हमारे पास पांच लड़कियां हैं सात लड़के हैं और जो तो टीम बनानी है उसमें दो गर्ल्स चाहिए तो टोटल पांच में से दो गर्ल्स को चुन लिया और सात में से तीन बॉयज को चुन लिया सेवन में से तीन बॉयज को चुन लिया ये तो टोटल हो गया माइनस अब देखें

दो को ऑलरेडी चुन चुके हैं सिलेक्ट कर चुके हैं तो अब हमारे पास बॉयज बच गए पांच और पांच में से कितने को लेना है एक को तो कोई दो तो ऑलरेडी ले चुके हैं इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा है ना हमने कैसे निकाला इसको टोटल में से हमने वो केसेस माइनस कर दिए जिसमें ए और बी दोनों को ही अपन साथ में रख रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चलतेनेट ज्योमेट्री का ये सवाल है है ना कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में से भी बहुत स्ट्रेट लाइंस का और स्ट्रेट लाइंस में से भी मैं कहूंगा ये है फैमिली ऑफ लाइंस के लिए तो कंसिडर द सेट ऑफ लाइंस कुछ लाइंस का सेट है जो हमें दिया गया थ्री पी प्लस टू क्यू प्लस फोर आर इक्वल्स टू जीरो दिया गया है और हमें बोला गया है विच ऑफ ट्रू द लाइन आर कंकरेंट एट द पॉइंट अच्छा मतलब किसी पॉइंट पे कंकरेंट है अच्छा तो एक काम करते हैं हमने कई सारे पढ़ रखे हैं। हम एक बनाते हैं या y और एक हमें मिल जाती है और फिर हम कंपेयर करते हैं कि अगर वो किसी पॉइंट से दो, मतलब दोनों ही lines, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही होंगी तो उसको सेटिस्फाई भी कर रही होंगी तो उसी तरह से मैं इन दोनों को एक तरीके से एक दूसरे के फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहा हूं उसके लिए मैंने क्या किया मुझे दिख रहा है यहां पे आर वन है तो क्यों ना यहां पे फोर का डिवाइड लगा दिया जाए और इसको बोल दिया जाए थ्री बाई फोर पी टू बाई फोर क्यू प्लस टू जीरो अब आपको दिख रहा होगा कि ये अगर मान के चलो फैमिली ऑफ लाइन शो कर रहा है मतलब इसमें बहुत सारी लाइन अगर जा सकती है एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए तो उसी फैमिली का एक पार्ट ये है जब एक्स की जगह थ्री बाई फोर है और वाई की जगह टू बाई फोर है टू बाई फोर बाई पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है वो सब की सब कैसी लाइंस होंगी एक फैमिली ऑफ लाइंस के पास मतलब पार्ट होंगी और वो सब की सब कहां मिलेंगे कॉन्करेंट पॉइंट क्या होगा दैट इज थ्री बाई फोर कॉमा वन बाई टू कैसे किया मैंने मैंने दोनों लाइंस को एक दूसरे की फॉर्म में बनाने की कोशिश करी क्योंकि वो वो एक एक दूसरे का का ही पार्ट थी। इस लाइन की फैमिली मेंबर ये होगा। होगा? होगा? किस पॉइंट पॉइंट मिल रहा होगा। और वो क्या हैं? मुझे से सर्कल एंड पैराबोला देखो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है

y equals to mx plus by m हो गई इसको थोड़ा सा सॉल्व किया एम वाईक्वल टू एम गया और इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दिया ये आ गई मेरी टेंजेंट की इक्वेशन जो कि किस पे है पैराबोला पे अब क्योंकि यही टेंजेंट है जो सर्कल पे भी है उन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कॉमन टेंजेंट इक्वेशन ऑफ अ कॉमन टेंजेंट तो यही टेंजेंट जो है वो एक सर्कल पे भी है

जीरो इंटू वाई करेंगे तो बनी हो जाएगा अपॉन अंडर रूट के अंदर एम की पावर फोर प्लस एम इज इक्वल्स टू रेडियस इज अच्छा डिस्टेंस दिया तो मैंने मॉड मान लिया तो अभी मैं इसको थ्री लिख देता हूं थ्री है ना और मॉड हटाऊंगा तो ओबियसली प्लस माइनस थ्री लग जाएगा पर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करने वाला हूं दोनों तरफ स्क्वायर करते ही क्या बन जाएगा ये बन जाएगा नाइन एम की पावर फोर प्लस वन प्लस सिक्स एम स्क्वायर That is equals to 3 times, uh, 3 का स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई करूंगा उधर भेजा थ्री एम स्क्वायर थ्री एम स्क्वायर इक्वल टू वन एम स्क्वास टू वन बाई थ्री एंड एम इक्वल्स टू प्लस माइनस वन ओवर रूट थ्री है ना तो यहां से मुझे बस एम की वैल्यू यहाँ रख देनी है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम या मैं वन बाई एम है तो मुझे दो आंसर्स मिल जाएंगे टेंजेंट के तो अपन चेक कर लेंगे कौन, कौन सा कौन सा आंसर है हो जाएगा इजी है तो आठ क्वेश्चंस अपने हो गए डिस्कस नाइन्थ में चल रहा है नाइन्थ में देखिए क्या पूछा जा रहा है नाइन्थ में बोला गया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ अपन को इक्वेशन दिए तीन इक्वेशन अपन को दिए बेसिकली पहली इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन उन्होंने बोला है कंसिस्टेंट है इज इनकंसिस्टेंट वेन ए इज इक्वल टू फोर हैज अ यूनिक सोल्यूशन मॉड ए इक्वल टू रूट थ्री को चेक करना हैं ना तो क्वेश्चन देख के पहले तो अपन को दिख गया कि डिटरमिनेंट चैप्टर में इसको पढ़ते हैं और करना कैसे अपन पहले इन तीनों इक्वेशन से डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालते हैं डी डी वन डी टू और डी थ्री तो मैंने ये वैल्यूज आपके लिए निकाल के रखी हुई है डी की वैल्यू आएगी जब आप इसे सॉल्व करेंगे डी कैसे निकालना है वो सबको पता है मैं एक्स की जगह है ना डी डी वन डी टू तीनों निकालूंगा पहले डी निकालूंगा डी में क्या निकालूंगा वन टू टू थ्री थ्री वन टू और ए स्क्वायर माइनस वन ये डी हो जाएगा ऐसे डी वन डी टू डी थ्री निकालेंगे उसके बाद हमें इन चार ऑप्शंस में से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है तो एक काम करते हैं मुझे पता है कब होगा जब मॉड ए इक्वल टू रूट थ्री होगा ठीक है मॉड ए इक्वल टू रूट थ्री होने पर डी जीरो हो जाएगा डी जीरो हो गया ठीक है और डी जीरो हो गया तो यूरिक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि तो मॉडल इक्वल टू रूट थ्री होने पर ये जीरो हो है। तो ये तो गलत हो गया अब चेक करना है या तो ये इनफाइनाइट होगा या ये नो होगा ठीक है तो के लिए क्या कंडीशन है कि इसी वैल्यू पे क्या d1, d2 डी टू एंड डी थ्री भी जीरो हो रहे है। अगर सबकी सब जीरो हो रहे है तो है, आ गया और अगर कोई भी एक नॉन जीरो हो जा रहा है तो नो सोल्यूशन आ गया तो मुझे साफ साफ दिख रहा है अगर मैं इसको इसमें प्लेस कर दूंगा एट ए इक्वल्स टू रूट थ्री डेफिनेटली डी थ्री इज नॉन जीरो तो अल्टीमेटली मेरा बन गया इनकन्सिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किस पे एज टू रूट थ्री पे ये हो गया क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन था टेंथ पे आते बेटा टेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीन सर्कल्स है थ्री सर्कल्स ऑफ रेडियाइस ए बी एंड सी जहां पर उनका एक ऑर्डर दिया हुआ है सबसे छोटा ए है उससे बड़ा बी है उससे बड़ा सी है टच इच अदर एक्सटर्नली तीनों आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को इफ दे हैव एक्स एक्सेस एज अ कॉमन टेंडेंट एक्स एक्सेस तीनों के लिए टेंडेंट का काम कर रही है तो हमें इनमें से रिलेशन ढूंढना है देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें डायग्राम समझ में आना चाहिए मैंने क्या किया यहां बनाता एक सर्कल ये एक्स एक्सेस हो जो टेंडेंट है और ये दूसरा सर्कल एक और सर्कल होगा जो कि इन दोनों को टच कर रहा है तो मैंने उसको कुछ ऐसे यहां बना दिया ये होगा मेरे तीन सर्कल्स हो गए अभी तीनों ही सर्कल्स में देखूं तो इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूं और इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूं मुझे बोला गया तीनों की रेडियस का ऑर्डर जो है वो ए बी सी है सी सबसे बड़ा है तो अब इसी बात है ये इसकी रेडियस सी होगी मेरी तो ये डिस्टेंस मेरी सी हो गई ठीक है ये सबसे छोटा है तो ये रेडियस मेरी ए होगी और ये रेडियस मेरी बी होगी अब मुझे इन तीनों में रिलेशन बताना है कि स्मॉल है स्मॉल बी स्मॉल सी में रिलेशन क्या होगा ना तो अपन जो जब टेंजेंट्स जब सर्कल्स टच करते हैं एक्सटर्नली तो कंडीशन क्या होती है सी वन सी टूजल्स टू आर वन प्लस आर टू दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस बराबर होती है उनकी रेडियस के सम से तो एक बात पहले मैंने ऑब्जर्व करी क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए बी की वैल्यू या मैं AC की वैल्यू को बोलूं तो वो हंड्रेड परसेंट शोरू है ए बी प्लस बी सी होगी ए से लेके सी तक की डिस्टेंस मतलब ए से सी तक की ये डिस्टेंस ये पक्की ए बी प्लस बी सी होगी ठीक है अब इस पर आगे चलते हैं मुझे ए सी अगर पूरा सोचना है तो मैं पहले पूरा होल सोच के देखता हूं एक बार मैंने क्या किया इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन किया और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी

मैं पूरा अगर ओवरऑल सोचूं तो ए से सी की लेंथ जो हो गई वो हो गई अंडर रूट में सी प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए बी ए बी देखे बेटा ए बी कहा है अपना मैं किसी और कलर से करता हूं देखे ए बी ए बी है ये वाली लेंथ इस लेंथ को निकालने के लिए मैंने क्या किया इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया अब आप समझ पाएंगे ये 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 भी है, है। तो, तो पूरी तो मतलब क्या बन जाएगा बी प्लस ए का होल स्क्स ए का होल सिमिलरली आप देखेंगे तो बीसी को भी आप ऐसे ही इसी तरीके से सोच सकते हैं बी से सी की लेंथ मतलब ये वाली लेंथ इसको फाइंड करने के लिए मैंने क्या कर दिया ये सेंटर को फिर से ज्वाइन कर दिया ये रेडियस ए है ये रेडियस सी है तो ये हो जाएगा सी प्लस ए का होल स्क्वायर अब मुझे चाहिए ये वाला पार्ट ये पार्ट कैसे आएगा ये जो नीचे का पार्ट ए है तो ये भी नीचे का पार्ट ए हो जाएगा तो पूरे सी में से ए माइनस कर दिया सी माइनस ए का होल स्क्वायर ये मैंने एक बेसिक सा ऑब्जर्वेशन ड्रॉ कर लिया कब जब मेरे तीन सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को कुछ इस तरह से टच कर रहे हैं और उनकी रेडियसिस का ऑर्डर हमें दिया हुआ है बस अब इसको इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो ये जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगेगा कर तो इसका टू बी सी एंड टू बी सी फोर बी सी बचेगा यहाँ से अंडर रूट में इधर से देखोगे तो इसका बचेगा फोर ए बी और इसका बचेगा फोर ए सी है ना मैं रूट फोर से तीनों को डिवाइड कर सकता हूँ है ना या मैं बोल दू मैं अंडर रूट फोर ए बी सी से सबको डिवाइड कर रहा हूं तो आप देखोगे क्या बचेगा यहां से अगर देखेंगे तो फोर से फोर कट गया बीसी से बी सी कट गया वन अपॉन रूट ए तो वन अपॉन रूट ए शुड शुड बी इक्वल्स टू फोर कट गया ए कट गया बी कट गया सी वन अपॉन रूट सी प्लस इसमें से बचेगा वन अपॉन रूट बी ऑप्शन नंबर थर्ड 10th question, ना? आगे चल रहे हैं। 11th question, 11th question बोला जा रहा है पैराबोला एक है 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 जिसकी axis लाई कर रही है X -axis के लिए ठीक ये X -axis है, ये बेसिकली उस उस पैराबोला और इस पर मैंने कहीं ये वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर दी ये मेरा ऑरिजिन हो गया वो तो बोल रहे हैं वर्टेक्स एंड फोकस डिस्टेंस ऑफ टू एंड फोर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ऑरिजिन Origin से दो अच्छा और वो भी कहा पॉजिटिव साइड पे उन्होंने बोला ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑरिजिन से पॉजिटिव साइड पे दो यूनिट पे तो कौन है वर्टेक्स है है ये हो गया 2, और यूनिट पे उसका फोकस तो ये हो गया फोर कॉमा जीरो ऐसा होगा खत्म अब वो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द पैराबोला तो बस आप इस पैराबोला की इक्वेशन निकाल लीजिए

टू अब आप चारों पॉइंट्स को इसमें वेरीफाई करा लीजिए जो भी पॉइंट इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो अपना आंसर है जैसे मैं करा के देखता हूं फर्स्ट वाले पॉइंट को फोर को माइनस फोर को तो माइनस फोर का स्क्वायर किया तो सिक्सटीन हो गया मैं ए को सेटिस्फाई करा रहा हूं सिक्सटीन हो गया इस तरफ देखा तो फोर माइनस टू 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 इन टू एट सिक्सटीन तो ये तो कर रहा है फिर मैंने बी को कराया बी है सिक्स को फोर रूट टू तो फोर रूट टू का स्क्वायर किया तो थर्टी टू हो गया शायद और इस तरफ टू फोर फोर इंटू एट थर्टी टू ये भी कर रहा है सी वाला जरा का स्क्वायर करा देखेंटी तो, फोर हो गया और इस तरफ फाइव माइनस टू थ्री थ्री इंटू एट ट्वेंटी फोर तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है तो अपना आंसर डी ही होगा चेक भी कर लेते हैं सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स शुड बी इक्वल्स टू एट माइनस टू सिक्स इंटू एट दैट इज फोर्टी एट विच इज नॉट सेफाइंग ये वाला पॉइंट लाइन नहीं करेगा यही हमारा आंसर हो गया तो ये था अपना जो प्रैक्टिस टेस्ट वन था अपना उसका पूरा सॉल्यूशन था इसका क्वेश्चन पेपर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और बाकी के टेलीग्राम चैनल पे आपके पास आ चुका है ठीक है थैंक यू एवरीवन